प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी यूनिवर्स बिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ ऑफकोर्स एंड कोर्स कौन आने वाले हैं कौन आ सकते हैं एंड जो अनदेखा है जो अनसुना है बट बिल्कुल मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं किसी ऐसे इंसान से आप पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं मे बी मच सीनियर मे बी मच मोर देन योर एज बट उस इंसान के ना काफ़ी रिंकल्स होंगे उस तरह से दिख रहा है बी लाइक यू नो वर्ड लाइक एट्टी नाइनटी ईयर्स ओल्ड पर्सन पता नहीं क्यों ये आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं ठीक है इनके पास ऐसा ज्ञान हो सकता है कुछ आ, मतलब जैसे बोला जाता है ना कुछ गहरा राज वाला ठीक है और जो आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो वहां पे एक सल्यूशन लेके आ सकते हैं एडवाइस दे के यहाँ पे देखो एक टी शेप आ रहा है सो आई कैन फील लाइक यू नो यस टी ओ टू हो सकता है कि आप कोई ऐसा लेटर काफ़ी ऑफिशियल ऑब्वियसली आप किसी को लिखे और उस लेटर में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो आप शेयर करना चाहते हैं मे भी आपने कुछ देखा होगा या आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा लिख के सबमिट करें या आपको वो लोग खुद ही बोले कि आप एक फॉर्मेट में जैसा हम लोग दे रहे हैं वैसा आपको लेटर लिख के वहाँ पे भेजना पड़ेगा मे बी फॉर सेंक्शन ऑफ लोन और समथिंग लाइक दैट बट वो एक फॉर्मल लेटर होगा आने वाले समय में वो लेटर आपको लिखना पड़ेगा देखो यहाँ पे आँख हो चुकी है द आई हैज बिन फॉर्म्ड सो आई डू थिंक सो दैट मे बी मेनी ऑफ यू को सत्या आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छा जो है हीलर बने या साइकिक ओके यू कैन से बने तो आपके इंटेंशंस या आप किसी के अभी माइंड रीड कर पाएंगे उसका फेशियल एक्सप्रेशन आप पढ़ पाएंगे इवन यू कैन बिकम अ क्लैरि पॉइंट इन द फ्यूचर उस तरह से भी मुझे दिख रहा है आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट अगर आप नहीं भी है तभी भी आने वाले समय में आपका कोई शौक ऐसा नहीं है लेकिन आप अपने लिए प्रोटेक्शन जो सुरक्षा जो कवच है वो तो खुद आपके लिए आप खुद ही करेंगे ठीक है क्योंकि आपके पास है वो ताकत जहाँ पे आप लोगों की माइंड भी रीड कर सकते हो और आने वाले समय में आप अपने लिए भी जो है बहुत अच्छा रास्ता से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच भी सकते हो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर में से कुछ ऐसा थ्री आया है सो इट कैन बी लाइक दैट हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम्स या कुछ ऐसा सिचुएशन जो तीन बार अटेम्प्ट करने के बाद कहीं ना कहीं पर वो आपको क्लियर मिले मतलब उसके उसका चांस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर आप तीन बार अटेम्प्ट करो उस तरह से हो सकता है या तीन महीना या तीन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में मे बी थर्ड इज़ योर बर्थडे और मार्च इज इम्पॉर्टेंट और ट्वेल्थ थ्री ट्वेंटी फर्स्ट थर्टियथ कैन बी योर बर्थडे या आफ्टर थ्री डेज आफ्टर थ्री मंथ्स या थ्री वीक्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर यू अगर हम इस तरह के शेप को कंसिडर करें पूरी तरह से एक बाउल ठीक है एक कटोरी जैसा हो रहा है यहाँ पे बाउल मीन्स वर्ट कंटेनर सो यहाँ पे कंटेनर मतलब क्या है तो आपकी जिंदगी में भरपूर आपको मिलेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस आने वाले समय और जहाँ पे जैसा भी मिले आप ना फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे आप एटलीस्ट लोगों के जीवन के साथ खुद का जीवन जो है कंपेयर नहीं करेंगे अगर करेंगे भी तभी भी आपको लगेगा कि मैं ना बेटर पोजीशन में हूँ जो भी मैं कमा रहा हूँ जो भी मैं मेरे पास आ रहा है जैसे भी आ रहा है ना आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड हैप्पीनेस इज वन इन योर लाइफ जो मुझे दिख रहा है कि वो आपको मिलने वाला है फैमिली इश्यूज जो पहले था जो है वो आपके बात नहीं मान रहे थे या आपको वो परमिशन नहीं दे रहे थे या वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहे थे जो आप नहीं सुन रहे थे जैसे भी वो मसला वो सॉल्व होने वाला है आई कैन ऑल्सो सी लाइक टू पीपल अगेन डिस्कसिंग सर्टन थिंग्स विद ईच अदर ये आपके पेरेंट्स भी हो सकता है या आप खुद अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि बहुत क्लोज डिस्कशन करें या दो लोग मे भी आपके ऑफिस एम्प्लॉयज भी हो सकता है या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं यहाँ पे यस, yes, देखो यहाँ पे क्या आया वन एंड जीरो एक साथ

लोग क्या सोच रहे हैं वट पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट ऑफ टाइम मुझे पे इस तरह से दिख रहा है, like, सारा अटेंशन जो है, सारा जो कहीं ना कहीं पे लाइक सेल्फ ऑब्सड एंड विल फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली इस तरह से दिख रहा है ये एक ब्रेन का फॉर्मेशन ले रहा है अगर ब्रेन का अगर आपने पिक्चर देखा होगा कुछ इस तरह से ही आता है सो द लॉजिकल पार्ट द इमोशनल पार्ट द साइकोलॉजिकल पार्ट इस सब के बारे में ना आपको और इंटरेस्ट पड़ेगा आप इस दुनिया का मिस्ट्रीज के साथ साथ पूरी तरह से ह्यूमन माइंड को भी स्टडी करना चाहेंगे पता नहीं कि ऐसा बार बार यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है जैसे आपको और इंटरेस्ट होगा कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है लोग ऐसा जो है कहीं ना कहीं पे जो आप देखते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी डिजॉर्डर क्या होता है सो so, लोग अलग अलग बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में काहे करते हैं ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको और इंटरेस्ट देगा तो ये आपके अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ढेर सारा मदद करेगा क्योंकि यू नो दैट द वर्ल्ड इज नाउ फुल ऑफ ऑल दिस पीपल सो यू इट विल हेल्प यू ओके टू क्लियर द वे ओके okay, उस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक यू नो आर लॉट ऑफ कार्टन बॉक्सेस यहाँ पे कुछ कार्टन बॉक्सेस एम टी कार्टनस यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में है हो सकता है कि कुछ सामान जो है आपको ऑर्डर जो है उनको पहुँचाना पड़े या आपको रिसीव आप करोगे ताकि आप उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सको और लोगों को दे पाओ ठीक है इन एक्सचेंज ऑफ मनी सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से हमें और भी पता चलेगा सो so, देख लेते हैं यहाँ से ओके सो यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में कोर्स क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है रे छलांग मार रहा है कार्ड यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल अनदेखा है अनसुना है डेफिनेटली वो उनके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है सो वॉट इज कमिंग टू अर्स यूर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आता हुआ दिखाई दे रहा है ओके वी डू हैव द टेम्परेंस कार्ड वी डू हैव द एट ऑफ वर्ड्स ओके ऑफ वर्ड्स डू हैव टू ऑफ कर्स दो लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे थे यहाँ पे देखो दें ऑब्वियसली यहाँ पे द सोलूशन कम्स एस यू नो वॉट की uh, Cancer, Pices, Scorpio, Aries, Leo, Leo, Aquarius, पे आपका कन्वर्सेशन कोई डीलिंग्स कोई कॉन्ट्रेक्ट के अलावा किसी और के साथ भी एक पर्सनल टच पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है अफेयर्स हो सकते हैं चाहे वो आपके जो है निजी जिंदगी में कोई खास इंसान का आना और बहुत टाइम से ही आपने अपने ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि रिलेशनशिप आते हैं जा रहे हैं फिक्स नहीं हो रहा है सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट योर सोलमेट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम सून दो लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे मैंने आपको यही कहा था तो वही हुआ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं कम्युनिकेशन से ही आपका काम का जो है ऑर्डर्स बढ़ना लोगों को कन्विंस करेंगे आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही लोग आपके जो है और भी आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा लोग आपको पहचानेंगे एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू बैलेंस ऑल्सो आपकी इमोशंस और आपके लॉजिकल साइड प्रॉपरली बैलेंस होंगे बहुत सारा काम करने की वजह से आपको थकान महसूस हो सकता है बट आपका एनर्जी जो है एट ऑल टाइम ही हाई जाने वाला है एंड मे बी कुछ चीजें चीजों के लेकर आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले जो उनके वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे फाइनली आप लेंगे क्योंकि वो भी अप्रूव कर देंगे ओके okay, आपको कोई जगह पे चांस आपका सिलेक्शन होने का बढ़ सकता है तो मैंने आपको ये कहा था कि तीन बार आप ज़रूर अटेम्प्ट करना उस चीज़ का सो मे बी इट इज़ लाइक दैट यू आर गोइंग टू अटेंड ओके थ्री टाइम्स एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो जो आप बहुत टाइम से सो नहीं पा रहे थे अनकंफर्टेबल आप हो रहे थे और आपको पता है सपने भी आप देख रहे थे और सपने जनरली स्पिरिचुअलिटी को ही इंडिकेट करते हैं सो so यहाँ पे आप ये तो लोगों की बात नहीं सुनेंगे और अपना ही मन मुताबिक आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना आपने जो भी काम आपका पेंडिंग था जो चीज़ टूटा हुआ था वो भी जैसा बोला जाता है ना आफ्टर टेकिंग रेस्ट पीपल गेट री एनर्जाइज लोग फ्रेश हो जाते हैं उस तरह से आपके अंदर भी वो एनर्जी जागृत हो रही है सो दिस इज ऑल अबाउट टू इज रीडिंग गाइज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव यू लॉड टेक केयर ऑफ़ योर सल एंड बाय